तो दोस्तों आप सभी का जो इंडियन एयरफोर्स का जो एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुका है, जो पिछले वीडियो में मैं बताया था, तो कौन कौन ईस्टर्न यूनिट का आना शुरू हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जो बताया था आप सभी को वो है ईस्टर्न कमांड का, यहाँ पे बताया था जो कि कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल का एडमिट कार्ड था। और यहाँ पर बाकी जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, बेंगलुरु, इसका कब आएगा? तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड का डेट है ये इतना दिन कितना होगा। पर अभी जैसे वेस्ट बंगाल का है तो आप लोग का भी स्टेट में आना शुरू हो गया होगा। और मेन टॉपिक है कि इसमें किसका किसका एडमिट कार्ड आएगा और किसका किसका नहीं आएगा, वो इसमें साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में, जो कि लास्ट में जैसे ही नोटिफिकेशन में आते हैं लास्ट पेज में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है वो क्या है, वो पढ़ते तो यहाँ पे नोट जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है ऑप्शन ए नंबर में, देख सकते हैं कि बोला है कि ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। इसमें बोला गया इस लाइन का मतलब है कि आप सभी का जितने भी एप्लीकेशन आप भेजे होंगे, जितने भी कैंडिडेट भेजे होंगे, उसका स्क्रूटनीज्ड मतलब छटाई किया जाएगा। किसके आधार पे? एज लिमिट के आधार पे। अगर आप जो भी एप्लीकेशन डाले हो अगर उसका एज लिमिट मैच कर रहा है तो आपको सही है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है उसके आधार पर, और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो आप भेजे हैं, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो भेजे हैं उसको देखेगा सही से कि आप लोग भेजे हैं कि नहीं। उसके बाद आप सभी को रिटन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर इशू करेगा, यानी आपके घर पे एड्रेस पे भेजेगा। अगर आपका पूरा करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, आप सही से प्रॉपर यहाँ सही से आप भरे हैं, जैसे एज लिमिट आपका सही है वहाँ पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे भरे वो सही है, और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो सही से आप वहाँ पे डाले होंगे, एड्रेस सही से दिए होंगे, तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा। आना भी स्टार्ट हुआ है फिलहाल, अब लोग का भी आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया है कि द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। अगर आप एलिजिबल है तो रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होंगे फर्स्ट में। रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आपका मोड सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मान लीजिए कोई पोस्ट पे भरे, जो पोस्ट 10वीं क्लास पे यानी 10th पे भरा गया तो 10th के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 12th पे तो 12th पे, अगर ITI पे ITI पे, या ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे आपको पूछा जाएगा। सेकेंड यहाँ पे सी नंबर में दिया है कि रिटन टेस्ट जो कंसिस्ट होने वाला है उसमें पेपर में जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग रहेगा आपका, फिर सेकेंड में रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 25-25 का सेट रहेगा यहाँ पे। और फिर क्वेश्चंस आपका दो लैंग्वेज में रहेगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर क्वालिफाई करते हो तब जाके आप सभी का जिसका स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, उसके लिए एडमिट कार्ड या उसी दिन भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसका ऐसा कोई साफ साफ नहीं लिखा गया है। फिजिकल भी है, जिसका फिजिकल होगा फिजिकल, जिसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ऑन द मेरिट एंड कैटेगरी इन द रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट में जितना भी नंबर आप लाओगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगा और कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा, तब जाके आपका यहाँ पे फिजिकल मैट्रिक टेस्ट होने वाला। तो यहाँ पे सभी का एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है कि आपका परसेंटेज के हिसाब से आया। किसी ने पिछले बार जो कमेंट किया था काफ़ी स्टूडेंट ने कि परसेंटेज पे आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपका कितना परसेंटेज पे आया। आपका वहाँ पे परसेंटेज भी हो सकता है देखा जाए, पर इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आपका परसेंटेज भी देखा जाएगा, 10th का हो चाहे 12th का हो, जिसके हिसाब से आप भरे हुआ हो। तो यहाँ पे आप सभी को यही पॉइंट अगर फॉलो करके आप फॉर्म भरे होंगे तो आप सभी का एडमिट कार्ड 100% है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, अगर अभी तक नहीं आया है तो, क्योंकि ऑफलाइन में पता ही नहीं चलता कि कब एडमिट कार्ड आया, कब एग्ज़ाम हुआ, कोई इसका कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं करता है इसका, अचानक से आपको पता चलता है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लगा हो, सटीक लगा तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।